नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन समय पे पहुंचे। दोस्तों चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा मुख्य जो टॉपिक है वह टॉपिक है डीएनए और आरएनए में अंतर। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए व आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में अंतर देखने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपको जो है बहुत सारी जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि अगर हम बात करते हैं जीव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की बात करते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम का जब केमिकल एनालिसिस किया जाता है, रासायनिक विश्लेषण किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वहां न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है भाई? यहां बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से, अर्थात दो चीजें। पहली चीज न्यूक्लिक एसिड और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वह है प्रोटीन। अब सवाल यह उत्पन्न हुआ कि न्यूक्लिक एसिड क्या है और इसकी खोज किसने की और ये कितने प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय जो है वो जाता है फ्रेडरिक मिस्चर को। फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा न्यूक्लिक एसिड की खोज मवाद कोशिकाओं में की गई और सेल में की गई तथा इस न्यूक्लिक इसे नाम दिया गया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम दिया गया क्योंकि इसका जो नेचर है वो एसिडिक था, अम्ली नेचर का था, इस कारण से अल्टमैन ने इसे जो है न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो जनरली न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज इसी डीएनए और आरएनए में हम अंतर देखेंगे। डीएनए और आरएनए में अंतर के लिए हमने सबसे पहले बोर्ड पे चार कॉलम बना के रख लिए हैं। पहला कॉलम क्रमांक का है, दूसरा कॉलम उसके लक्षणों का है जिसके आधार पर हमें अंतर करना है, तीसरा कॉलम डीएनए का है तथा चौथा कॉलम आरएनए का है। तो पहला जो क्रमांक है, पहले क्रमांक में कि उपस्थिति, कि डीएनए और आरएनए कहां पाए जाते हैं इसके आधार पर हम अंतर करेंगे। तो अगर हम डीएनए की जब बात करते हैं तो डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है केंद्रक के अंदर। यहां मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा यहां कुछ कोशिकांगों में भी पाया जाता है। यहां कुछ कोशिकांगों में भी पाया जाता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कुछ कोशिकांगों में भी यह उपस्थित होता है, जैसे कि माइटोकांड्रिया। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, इनमें यहां उपस्थित होता है। अगर हम वहीं पर आरएनए की बात करें तो यहां मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साथ ही कुछ मात्रा में यहां केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है, केंद्रक के अंदर भी यहां पाया जाता है। चलिए दूसरा अंतर देखें। दूसरा अंतर देखते हैं कि डीएनए का मुख्य रूप से काम क्या होता है। डीएनए का कार्य की अगर हम बात करें डीएनए उच्च श्रेणी के जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। उच्च श्रेणी के जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में
कार्यकर्ता है, पदार्थ के रूप में कार्य करता है, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है वो अणु कुछ प्लांट वायरस को छोड़कर, कुछ प्लांट वायरस को छोड़कर यह अनुवांशिक होता है, यह अनुवांशिक होता है, अर्थात अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता, इसके अलावा अन्य दूसरे प्रकार के कार्य करता है। तीसरा अंतर देखें, इसकी संरचना कैसी होती है। तीसरा अंतर पर आ जाते हैं, संरचना। अगर हम अंतर की जब बात करते हैं तो डीएनए जो है द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है, द्विकुंडलित संरचना के रूप में यहां पाया जाता है, जबकि आरएनए की बात करें तो यहां एकल संरचना के रूप में पाया जाता है, एकल संरचना के रूप में पाया जाता है, अर्थात यहां कैसा होता है भाई, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है। चलिए एक और अंतर देखें, हम चौथे अंतर की बात कर रहे हैं कि इसमें पेंटोज सुगर कौन सी पाई जाती है, शर्करा कौन सी पाई जाती है। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज सुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में जो है यहां शर्करा किस रूप में होती है भाई, राइबोज के रूप में पाई जाती है। पांचवा अंतर देखें, नाइट्रोजन बेस का, कि दोनों में नाइट्रोजन बेस के आधार पर हम अंतर करें तो डीएनए की जब बात करते हैं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन नाइट्रोजन बेस के रूप में पाए जाते हैं, जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन के स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक और अंतर हम देखें कि कितने प्रकार, डीएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, इस पर हम एक अंतर देख ले। तो डीएनए मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, डीएनए मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कौन कौन सा होता है भाई, सबसे पहला केंद्रकीय डीएनए, केंद्र के अंदर पाया जाने वाला डीएनए, और दूसरा जो है केंद्रकीय डीएनए। ठीक उसी प्रकार से आरएनए को भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, यह भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार का होता है भाई, सबसे पहले आनुवांशिक आरएनए, अगर आरएनए की जब बात करते हैं तो आरएनए कितने प्रकार का हो रहा है भाई, यह दो प्रकार का हो रहा है, सबसे पहला कौन सा हो गया, अनुवांशिक आरएनए, अर्थात कुछ प्लांट वायरस में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जबकि दूसरा जो है अनुवांशिक आरएनए, और अनुवांशिक आरएनए जो है वो अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए आदि। अणुओं की बात करें तो अन्य अंतरों में देखिए न्यूक्लियोटाइड की संख्या, न्यूक्लियोटाइड की संख्या की अगर हम बात करें तो एक डीएनए अणु में लाखों न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एक डीएनए अणु में लाखों न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि एक आरएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 70 से लेकर 12,000 तक होती है। ध्यान क्या रखना है कि डीएनए, एक डीएनए अणु में लाखों न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, वही आरएनए में 70 से लेकर 12,000 तक ही न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अंतर देखें
तो डीएनए का मॉलिकुलर वेट अधिक होता है जबकि आरएनए का मॉलिकुलर वेट कैसा होता है, कम होता है। डीएनए का मॉलिकुलर वेट अधिक और आरएनए का मॉलिकुलर वेट कम होता है। एक और अंतर देखें स्टेनिंग के आधार पर, तो डीएनए की स्टेनिंग की जा सकती है जबकि आरएनए की स्टेनिंग नहीं होती। डीएनए की स्टेनिंग फ्यूजन द्वारा की जा सकती है जबकि आरएनए की स्टेनिंग फ्यूजन के द्वारा नहीं की जा सकती। एक और अंतर देखें हाइड्रोजन बंध का, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का जो कार्य है वह हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किया जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कौन जोड़ता है भाई, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जोड़ा जाता है जबकि आरएनए में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। एक और अंतर देखें एबनॉर्मल बेस, असामान्य क्षार के आधार पर अंतर देखें तो डीएनए में असामान्य क्षार अनुपस्थित होती है वहीं आरएनए में असामान्य क्षार जो है वो उपस्थित होती है। एक और अंतर देखिए मात्रा के आधार पर, एक जीवित कोशिका में डीएनए की मात्रा हमेशा निश्चित होती है, एक जीवित कोशिका में डीएनए की मात्रा हमेशा कैसी होती है, निश्चित होती है, जबकि आरएनए में, एक जीवित कोशिका में आरएनए की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं होती है। दोस्तों एक और अंतर की बात करें क्रियाशीलता के आधार पर हम अंतर देखें तो डीएनए जो है लंबे समय तक क्रियाशील होता है, यहां पर क्रियाशीलता के आधार पर अंतर हम देख रहे हैं तो डीएनए जो है वो लंबे समय तक क्रियाशील होता है जबकि अगर आरएनए की बात करें तो ये बहुत कम समय तक क्रियाशील होता है। एक और अंतर देखें द्विगुणन की क्षमता, आप लोगों को मालूम है कि डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है भाई, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए का डुप्लीकेशन जो है वो तीन प्रकार से होता है, वहीं पर अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में डुप्लीकेशन की क्षमता का अभाव होता है। एक और अंतर देख लें कि क्या दोनों को अपघटित किया जा सकता है और किसके द्वारा किया जा सकता है, तो अपघटन के आधार पर देखें तो यहां पर बताया गया है कि डीएनए का जो अपघटन है डीएनए एंजाइम के द्वारा होता है, डीएनए का अपघटन डीएनए एंजाइम के द्वारा होता है जबकि आरएनए का अपघटन जो है आरएनए एंजाइम के द्वारा होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा डीएनए और आरएनए में बेसिक अंतर। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।